आपकी दिनचर्या 6 महीने, जैसे ना हम लोग गलती क्या करते हैं, हमारा एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो हम 6 महीने खूब पढ़ते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो 3 महीने हम बैठ जाते हैं। आप 6 महीने 4 घंटा वाला पढ़ाई बंद करिए, रोज़ 1 घंटे तैयारी कीजिए। आप अपनी ज़बान पर, अपने एक्सेंट पर, अपनी स्पीच पर, एक अभिनेता की सबसे अच्छी स्पीच होनी चाहिए। स्पीच पर सर ने तो बताया होगा, स्पीच का, स्पीच पे आप कितनी मेहनत करते हैं बहुत मायने रखता है। मुंह खुलता है तो पता चल जाता है कि ये अभिनेता है, तलफ़ुज़ हो गया आपका, जो डिक्शन है, ये सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए, लेकिन आपकी स्पीच कमाल की होनी चाहिए। और आप अपनी स्पीच बना सकते हो, आपकी अपनी स्पीच, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे आप, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप बोलेंगे, आईने के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप से करेक्टर डेवलप कीजिए। आपके अगल बगल खड़े हुए हैं माँ बाप वगैरह, जैसे इम्प्रोवाइजेशन में सर ने बताया होगा, तो उस पर आप रोज़ 1 ही घंटे मेहनत करिए, लेकिन करिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 हफ्ते की और फिर आप, किसी भी ना म्यूजिशियन को देख लीजिए, आप किसी संगीतकार या सिंगर को देख लीजिए, वो रोज़ रिहर्सल करता है, और अगर वो 10 दिन रिहर्सल ना करे सर, तो लोग बोलते हैं सिंगर लोग कि हमारी ज़बान फंसने लगती है। हम अभिनेता ही हैं जिनकी हमारी ये रोज की एक्सरसाइज नहीं होती। नॉर्मल अभिनेता जिम जाता है, घुड़सवारी करता है, दुनिया में हर चीज़ की पढ़ाई है, सब लोगों के दिमाग में है, सिर्फ यही एक चीज़ इसकी पढ़ाई नहीं है। क्यों ऐसा लोग सोचते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना है, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना, एक्टर बनने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आएंगे। आप जन्मजात अभिनेता हैं, लेकिन भाई उसको पॉलिश कौन करेगा। हमने एक कोटेशन इसी बात पे लिखा था, हाँ, पढ़ाई से बचने के लिए मैंने सोचा एक्टिंग सीखें, एक्टिंग सीखने आए, आते ही किताबें पकड़ा दी गई, किताबें पकड़ा दी गई। ठीक है, और अभी एक्टिंग का फॉर्मेट तो बहुत बदल चुका है। एक ज़माना था जब बोलते थे कि रामलीला की तरह पारसी थिएटर होता था, फिर धीरे 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 आजकल जैसे भोजपुरी में लोग देखिए नॉर्मली करते हैं, वही ठाकुर वही जमींदार, मैं तुम्हें गोलियों से इतना मारूंगा कि देखो खोखा बिनने वाले अमीर हो जाएंगे, क्या क्या इस तरह का डायलॉग। ये सब दौर तो ख़त्म हो गया, आजकल का अभिनय देख ही रहे हैं आप, नॉर्मली एकदम जैसे नेचुरल। अच्छा, नेचुरल में भी बड़ी गलतफहमी, बड़ी मिथ्या है, बड़ी मिथक है, कुछ लोग नेचुरल की एक्टिंग करते हैं। धीरे बोलना नेचुरल, धीरे बोल दिए तो लगता है कि हाँ तुम फलाना, वो अलग हो गया। अब जैसे मैं कोई छोटा सा डायलॉग है, क्या दुनिया में बलवान सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि कमज़ोर को मारकर अपने पेट में झोंक कर जीवित रहे। भाई आपने स्लो बोल दिया, लेकिन नेचुरल थोड़ी है। एक सिंपल सा है, आप उठिए, पहला डायलॉग रामू बुलाया जाएगा, रामू आएगा बोलेगा जी मालिक चाय लेकर आओ, अच्छा मालिक, फिर चाय ला कर देना मालिक चाय। ये 3 डायलॉग हैं आपको, रामू बोला, रामू चाय लेकर आओ, ठीक है बैठिए। अब इसको सिनेमा में कैसे करते हैं लोग, उन्होंने बोला रामू जी मालिक चाय लाओ, अच्छा मालिक, करेक्ट, पूरी एक्टिंग दिखा देगा बाबा, क्योंकि दोबारा उसको मौका मिलने वाला नहीं है, है ना। तो ये तो यहां मामला गड़बड़ हो जाएगा, यही तो सीखने की जरूरत है। छोटी सी चीज है, हमें उसे हम कितना अंडर प्ले कर लें। और आज की तारीख में आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी ऑडिशन देने जाएंगे, तो आप नोट कर लीजिए कि वहां पर उसी अभिनेता की कद्र है जिसका स्पीच जो है बिल्कुल नॉर्मल हो और नपीतुली हो। बहुत जगह तो एफर्ट देने की ज़रूरत भी नहीं है। इरफान भाई कैसे बोलते थे, अब ज़रूरी नहीं है कि इरफान भाई ने जो कर दिया वही हम भी उसी लाइन पर चल पड़े। आपकी अपनी जो स्पीच रियल लाइफ की है, आप उसको पेश कर दीजिए, आप देख लीजिए 100% आपकी उस स्पीच को पसंद किया जाएगा, किसी भी कीमत पर पसंद किया जाएगा। राजपाल का क्या था, राजपाल ने अपने आप को प्रेजेंट किया, जो राजपाल थे वही राजपाल ने दे दिया उठा के। अब वो किसी बने बनाए रास्ते पर नहीं गए, लीक है लीक गाड़ी चले, लीक है चले कपूत, तो लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत।
इसका मतलब समझते हैं? लीक का मतलब होता है बना बनाया रास्ता। ये जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां हैं ना, रेंज रोवर से लेके जितनी भी हैं, ये रोड पर ही चल सकते। जरा एक बार पगडंडी उतार दीजिए तब देखिए तमाशा गांव की। हाँ, लीक है लीक, गाड़ी चले और लीक है चले। कपूत, कपूत का मतलब है बने बनाए रास्ते पर वही लोग चलते हैं जिनमें कुब्बत नहीं होती, सपूत नहीं होते। सपूत कपूत का मतलब समझ जाइए। और लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। शायर जो है अगर दूसरे की शायरी बोलेगा तो वो शायर नहीं कहलाएगा। हम अगर बहुत अच्छी शायरी बोलते हों, बहुत अच्छी तरीके से गाते हों, लेकिन हम बोले दूसरों का लिखा हुआ, तो क्या मुझे शायर कहा जाएगा? भले अच्छा न गाए लेकिन अपना लिखा हुआ बोले तो लोग बोलेंगे कि ये शायर हैं। और सिंह खुद दौड़ा के शिकार करता है और उसे खाता है। मरे पड़े हुए किसी और का शिकार किया हुआ शिकार को कभी आपने उसे खाते हुए नहीं देखा होगा। और सपूत में आप सब आ गए, आप सबका भी है अपना रास्ता, खुद बनाइए। और अपना रास्ता हम बना सकते हैं। हमने जिस दिन सोच लिया कि हम कैपेबल हैं, हम जैसे भी हैं, हमसे हैंडसम कोई नहीं है, हम इसी पर्सनालिटी में, हम इसी अपने जो हमारा चेहरा है जैसा भी है, हम इसी में एक इतिहास रचेंगे। और कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा फर्क होता है। आपको कॉन्फिडेंस तो होना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, सुनने की क्षमता आप में जितनी ज़्यादा रहेगी, दो तीन चीज़ें लाइफ में, दो तीन चीज़ें हैं लाइफ को बदल सकती हैं। सुनने की क्षमता, आपने जिस दिन लोगों को सुनना सीख लिया, कभी कभी आपके सामने वाला आदमी गलत बोल रहा है और आपको पता है कि ये गलत बोल रहा है, वहाँ अगर आपने सीख लिया शांत रह पाना, ठीक है ये गलत बोल रहा है, गलत वाली बात दिमाग से निकाल दीजिए, लेकिन हो सकता है उसमें से एक दो पॉइंट ऐसी हों जो आपको कुछ सीखने को दे जाए। आर्गुमेंट करने वाली बात अगर आपके मन से निकल गई, कभी कभी ना हम ना एक दूसरे को ये बताने के लिए कि मैं हूँ, अब बताता हूँ क्या बात, तू क्या करेगा, एक्टिंग की बात मैं सीख कर आया हूँ, तू मुझे सिखाएगा, ये चीज़ें इंसान को कमज़ोर बनाती हैं, नीचा बनाती हैं, प्रगति में बाधा पहुँचाती हैं। आप अभिनेताओं को सिर्फ लिसनर बनना है, सुनते रहिए। मैंने ना अपने सीनियर्स, जितने हमारे सीनियर, मैं पंकज जी से भी मिलता हूँ, पंकज त्रिपाठी से मेरा बहुत दिन का संबंध है, मैं उनसे मिलता हूँ तो आज भी ऐसा लगता है उनके अंदर बड़ी भूख है। खड़े हो जाएंगे कुर्सी से, बतलाते रहेंगे दो दो घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे, वो उनको पता ही नहीं चलता, उनके अंदर वो बात ही नहीं है कि वो स्टार है। आप भी अपनी प्रोग्रेस ना यहाँ से सीखने के बाद, सीखने की कोई उम्र नहीं मेरे भाई, जीवन भर सीखते रहोगे। एक फिल्म करने के बाद आपको पता चलेगा दूसरी फिल्म में हमें कुछ कमी रह गई।